अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक होंगे? हमारी तो आज बैंड बजने हमारा वाली तो है। बुरा हाल है, बुरा है। आज नॉन स्टॉप पहला पेपर है। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ये वाला है सर, न्यूटन लॉ ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा लो भैया। आज फिफ्थ सेम का हमारा फर्स्ट पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इस भाई साहब का फ्लूइड का, फ्लूइड मैकेनिक। पूरे इंजीनियरिंग में जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है उसका है आज। पता नहीं कि नहीं, वो पता नहीं। तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, पता नहीं क्या होगा। अभी जाके सीधा एग्ज़ाम पेपर शेपर दे के उसके बाद आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे कैसा क्या हुआ। तब तक हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है, धक 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 धक, डबल से ट्रिपल हो गई है। एक घंटे एक मिनट में भद्रवा धड़कती है ना, तो उसका ट्रिप उसको तीन से कर दो मल्टीप्लाई। 1000 टाइम्स पर मिनट हो गई है। हाँ तो ठीक है, हम पहुंच गए रोड में, ऑटो वगैरह लेते हैं, जाते हैं सीधा कॉलेज में। टाइम भी बहुत हो गया, मतलब कि बहुत निकल गया। हमें जाके स्मार्ट कार्ड वगैरह एडमिट कार्ड उस पर स्टैम्प वगैरह लगवानी है। ठीक है सबक लग गया भाई, क्या पता उसमें न्यूमेरिकल नहीं डाले, इसमें डाल दिए। तो आरजीपी वाले बहुत चालाक है। M3 का पेपर नहीं देखा था फर्स्ट, उसके बाद देखा डाल दिए। तो पेपर देखे आगे, पेपर का मत पूछो कैसा था। आरजीपी वाले डरा रहे हैं, थ्योरी में न्यूमेरिकल डाल रहे हैं, न्यूमेरिकल में थ्योरी डालेंगे, अब किसमें क्या डालेंगे कोई पता नहीं है उनका। चलो करके आगे, मतलब कि इतना भी खराब नहीं, ऐसा ना हो TOC में पूरी थ्योरी आ जाए। अरे मैम जाओ वाली। हाँ तो भाई विके से पूछते हैं कैसा क्या पेपर। विके न्यूमेरिकल भी ऐसे बने हैं जैसे ना बनने के लायक बने हैं। आंसर भी समझ में नहीं आ रहा सही है कि गलत है। बस इतना ही कि स्टेप मैंने किया है, मैंने भी स्टेप मार्किंग भी अच्छा है। स्टेप मैंने जितने होने चाहिए थे उतने पूरे बाकायदा किए हैं। वो फीफो फूफो भी मैंने रात को पढ़ा था। मैं बताया था तब भाई, मैंने ना जितने हो सकते थे ना फीफो प्राची मैम के पास जाना था। भाई पेपर अच्छा आया था, पढ़े हमने नहीं थे। आरजीपीबी की गलती हो ही नहीं सकती, आरजीपीबी की कभी गलती नहीं होती, गलती हो ही नहीं सकती, गलती अपनी यूनिवर्सिटी की गलती नहीं होती है। थ्योरी वाले पेपर में जो पैदा होगा और आरजीपीबी से लेकर थ्योरी वाले पेपर में न्यूमेरिकल आ जाता है, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, हमारी गलती। ठीक है यार, मिलते हैं बाद में। गाइस पेपर वेपर हो गया हमारा, ये पार्किंग में आए थे, विके ने निकाली गाड़ी और चल दिए हम। अब हम परसों हमारा किसका पेपर है विके, शोध कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी भाई, थ्योरी नेटवर्क के बारे से पढ़ना है भाई उसके तो। और हाँ पढ़ना तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। आप इसमें नहीं आएगा न्यूमेरिकल, इसमें नहीं आएगा न्यूमेरिकल। आरजीपी वालों का भरोसा नहीं है यार, ये कुछ के नाम पे कुछ देते हैं भाई। भाई पता है AI में लग रहा था भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन न्यूमेरिकल देता है। ओ ब्रिटिश सरकार का फोन आ रहा है, एक मिनट आ गया। अरे घास पहन के आ गया। के हिला लो। कैसा क्या पेपर? पेपर ठीक है, टाइमिंग कम था, एक क्वेश्चन रह गया, शीट भी खत्म हो गया था, तो टाइम भी खत्म हो गया था, सारा कुछ खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा। लेकिन मेहनत रंग लाई, मेहनत रंग लाई, कैसे सब बंद क्या घड़ी अपने साथ जरूर रखो, पता ही नहीं चलता कब टाइम बीत जाता है, आप किस स्पीड से कर रहे हो। चल बैठ आगे, मैं पीछे बैठूंगा। मैंने 45 मिनट में सिर्फ एक पार्ट किया है क्वेश्चन का, उसके बाद देखिए स्पीड बढ़ाई। अपने साथ पेपर देने आओ, घड़ी जरूर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, और इसी के साथ आप मस्त रहिए, पढ़िए अच्छे से, जो अपने कॉलेज के बच्चे हैं बाकी सब भी पढ़िए, क्योंकि आरजीपीबी का कोई भरोसा नहीं है क्या डाल दें। इधर थ्योरी में न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में थ्योरी आता है, ऐसे ऐसे पेपर आते हैं जैसा आपने सोचा नहीं होगा। कुछ भी जो उनको मन में आएगा डाले जाएंगे, कुछ भी डाल देते हैं, इसलिए गलत वो नहीं है, गलत हम हैं, गलत आरजीपीबी वाले नहीं है। अपन को एक क्वेश्चन बच्चों वाला डाला था, हमने सोचा ये सब कोविड का बदला ले रहे हैं, कोविड का बदला ऐसा ले रहे हैं ना। हाँ हाँ बच्चे रो रहे हैं कोविड आया क्यों, इसलिए मस्त अच्छे से पढ़िए, ऐसे इस ख्वाब में ना रहिए, कुछ भी हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।